हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 292 के अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 292 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 292 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से कटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए, यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। यहाँ पर तो 9 है, तो दोस्तों 2 के पहाड़ में 9 तो नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 बार में 8 ले जाएंगे और 9 में से इधर एक भेज देंगे। देखिए दोस्तों, इस 2 के आगे आकर एक लग गया है, तो 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यह 12 इस 2 से 6 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 छक्के 12 होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 146 आ गया। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई क्योंकि यहाँ पर 6 है और 6 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 2 से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यह 14 जो है ना, इस 2 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 सत्य 14 होता है। इसी तरह से यह 6 भी इस 2 से 3 बार में कट जाएगा क्योंकि द्वितीय 6 होता है। यहाँ पर तो 73 आ गया, तो 73 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 73 को 73 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे 292 बराबर, देखिए दोस्तों 292 जो यह संख्या है, एक दो दो बार 2 से कटा है और एक बार 73 से कटा है, तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 2 × 2 × 73। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही 292 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर 292 है, तो 292 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 2 बार आए हैं, इसलिए क्या करेंगे, 2 की घात 2 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 73 सिर्फ एक बार है, इसलिए 73 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। यही दोस्तों घातांकीय रूप में हो गया।